Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे हैं सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो सबसे पहले आप सबको रामनवमी की ढेर सारी मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाई। इस कोरोना काल में आपका ये त्योहार घर पे बैठ के ही चाहे मनाए, बहुत ही उल्लासपूर्ण रहे, तो ये मैं कामना करती हूँ। तो अब बात करते हैं स्टोरी 9 मंथ्स की, कल के एपिसोड की। कल का एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग था, काफी चीजें हमें उसमें से सामने आई दिखी, जिसमें एक बहुत प्रोमिनेंट बात थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, वो है काव्या को लेके। तो क्या है वो बात, चलिए डिस्कस करते हैं इसके ऊपर। मगर वही गुजारिश आप लोगों से, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच। तो कल का एपिसोड हमने देखा कि किस तरह आजाद रॉय यानी कि सारंदर को पता चलता है कि जो उनका डायरेक्ट दिल से पुरानी कंपनी है जिससे उनको सब कुछ मिला था, फिर सब कुछ चला भी गया था, वो चाहती है आजाद रॉय से बातचीत करना, वो चाहती है आजाद रॉय को मिलना। तो इस बात से खफा तो नहीं दिख रहे थे सारंदर, अगर हम उनके एक्सप्रेशंस पे जाएं, उनका तो मन शायद कर रहा था कि कहीं जो होता ना इनसाइड, जो हम कहते कि एक ऐसा माइंड होता है अपने अंदर जिसका हमें भी पता नहीं होता, अनकॉन्शियस माइंड, जिसमें हमें सपने भी आते हैं, जिसमें सब कुछ होता है, उस माइंड में कहीं ना कहीं वो पीड़ है, वो दर्द है। तो वो दर्द चाहता था कि आलिया, आलिया से मिलना। मगर जो बाहर के सर्कमस्टांसिस को फेस किया है, जो जख्म उनको मिले हैं इस पूरे के पूरे जो लाइफ है, जो इस 9 मंथ की जर्नी के बाद, जो कुछ मंथ की जर्नी के बीच में जो उनके बीच में लड़ाइयां हुई हैं जो सिर्फ उन्हें ही पता है, तो उसकी वजह से वो जख्म जो है ताजा होते नजर आते हैं। मगर यहाँ पे काव्या क्या रोल प्ले कर रही है, ये मेरा पॉइंट है, क्योंकि बच्चे अपना रोल प्ले कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं पता, वो अपने तरीके से स्कूल में अपनी काम कर रहे हैं, मम्मी अपना रोल प्ले कर रही हैं, अपने लल्ला के लिए पूरी जी जान लगा रही हैं, दोस्त अपना रोल प्ले कर रहे हैं, मगर काव्या क्या रोल प्ले कर रही है। तो जितना मुझे आइडिया लगा है, आप लोग भी अगर मेरे से सहमत हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि काव्या को भी शायद नहीं पता, मगर वो साइलेंट विलन का रोल प्ले करती हुई नजर आ रही है। क्योंकि अगर सारंदर की मम्मी को नहीं पता है कि आलिया और सारंदर के बीच में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से दोनों अलग हो गए, तो ये अपना काव्या को कैसे पता है। अगर काव्या को भी नहीं पता है तो काव्या वन साइडेड स्टोरी, जो सारंदर उनके बॉयफ्रेंड, जो काव्या मानती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है और यही मेरा लाइफ पार्टनर होना चाहिए, तो काव्या वन साइडेड स्टोरी सुन के क्यों आलिया को कसूरवार समझ रही है, जबकि हमने एक दो सीन में देखा कि काव्या सारंदर को आलिया को लेके समझाती हुई नजर आती है। तो यहाँ पे उसको क्यों लगता है कि अगर आलिया सारंदर के सामने आएगी तो सारंदर जो है अपने आप को संभाल नहीं पाएगा, उसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, क्यों ऐसा लगता है काव्या को। मुझे जहां तक लगता है इस पूरे की पूरी एपिसोड में कि काव्या नहीं चाहती कि सारंदर और आलिया मिले, क्योंकि काव्या बहुत प्यार करती है सारंदर से, और अगर आलिया उसकी लाइफ में वापस आती है तो काव्या को वो जगह नहीं मिलेगी जो आजकल काव्या को मिली हुई है, सारंदर के करीब रहने की, सारंदर से ढेर सारी बातें करने की, और सारंदर अब आलिया का नाम भी नहीं लेना चाहता है, जबकि पहले इससे उल्टा था कि जब भी काव्या से सारंदर मिलता था तो वो आलिया 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 ही करता था, पहले आलिया मैम करता था, अब आलिया करता था, फिर अब कुछ भी नहीं बोलता है। तो अब ये चीज जो है मुझे लगी है इस पूरे के पूरे एपिसोड में, कल का एपिसोड देखने के बाद, कि काव्या जो है साइलेंट विलन का रोल प्ले करती हुई नजर आ रही है, जो शायद आगे जाके अगर उनको इस कॉन्शियस में समझ में आ गया कि मैं विलन का रोल प्ले कर रही हूं, हो सकता है कि आगे ये पोजेशन का रूप भी ले ले, ये काव्या पोजेसिव हो जाए सारंदर को लेके, अब तो सारंदर सिर्फ मेरा है, तो हो सकता है आगे ये कहानी कुछ और मोड़ ले। और काव्या, जैसे कि हमने कल देखा एंड स्क्रीन में जो एंड हुआ था, उसमें एक साइड पर सरेंद्र था, एक साइड में थी आलिया और बीच में थी काव्या, तो क्या ये आगे हम देखने वाले हैं। आप भी बताइए आपका क्या विचार है इसके बारे में, कमेंट कीजिए, और देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट। जय श्री राम। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।